तो आज का टॉपिक है हमारा लूप्स, ठीक है। अब लूप में हमें क्या करना है, चल तो सबसे पहले जो मैं आपको लूप बताऊंगा वो लूप है फॉर लूप या वाइल लूप बता देता हूँ। सबसे पहले डू वाइल, ठीक है। तो लूप्स में आपको क्या करना होता है, देखिए लूप्स का यूज कैसे, मैं एक रेंज ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि ये नंबर है कुछ यहाँ पे। मुझे क्या करना है, इसके सामने वाली सेल में ये लिखाना है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 50 है तो उसके सामने वाली सेल में ग्रेटर देन 50 लिखा है, ठीक है। ये लूप से करना है मैंने। लूप हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हमें इनके साथ इंडिविजुअल, एक मतलब मल्टीपल रेंज के साथ इंडिविजुअल रेंज जैसा काम कराना होता है कि एक साथ हम इनको नहीं चेक करा सकते कि ग्रेटर देन सारे 50 कैसे हैं, वो एक एक करके ही कराना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज को गेट कैसे करते हैं, कि सबसे पहली प्रॉब्लम होगी कि आपको ये तो पता होगा रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है पर एंड कहाँ से हो रही है ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करा सकते हैं, सबसे पहले हमें लास्ट रो चाहिए अपनी, ठीक है। तो डू लूप, इसके अंदर हमारी कोडिंग होती है। इसमें दो जगह कंडीशन दी जा सकती है, एक डू के बाद या लूप के बाद। ये हमारे ऊपर है कि कंडीशन हम पहले चेक कराते हैं कि बाद में, ठीक है। तो अब कंडीशन के लिए इसमें क्या कंडीशन आएगी, ग्रेटर देन 50 वाला तो इसमें नहीं। सबसे पहले हमें एक एक रो लेनी पड़ेगी कि वहाँ तक ही चले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, dim l i as long ले लेता हूँ, ठीक है, या l रो ले लेता हूँ, लास्ट रो पहले गेट कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट रो, और ये मुझे गेट होगी लास्ट रो रेंज a में सबसे नीचे आया, यही मेथड मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। एंड से फिर एक्सेल अप डॉट रो, ये मुझे क्या करेगा, रो नंबर देगा। ये जो उंगली का निशान दिखता है ये प्रॉपर्टी का होता है, तो ये जो है एल रो में चला जाएगा, जो भी लास्ट रो हमारी होगी ये सीधा सीधा नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसका रो नंबर एल रो को दे देगा। उसके बाद अब मुझे एल रो तक चलाना है। देखिए यहाँ तो मुझे पता है कि मुझे ए ही रेंज में चलना है, ए टू से चलना है, और कहाँ तक चल, हाँ यहाँ तक चलना है, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वाइल, कंडीशन क्या रहेगी, वाइल एल रो मेरी जो है ग्रेटर देन वाइल, हाँ इसमें अभी एल रो का हम काम बाद में लाते हैं, अभी एल रो से हमें लास्ट मिल गया, पर कंपेयर करने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, काउंटर लगाना पड़ेगा कि एक एक करके चल रहा है। तो मैं इसमें कर देता हूँ डिम आई एज लॉन्ग कर दिया, और आई को मैंने शुरुआती वैल्यू दे दी दो, कि दो से चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बार बार इसमें कि आई को चेंज कैसे कराऊँगा हर कंडीशन पर, आई इक्वल टू आई प्लस वन, एक एक करके बढ़वाऊंगा इसको, ठीक है, ये काउंटर पोजीशन हो गई। वाइल में मैं डाल दूंगा कि अगर मेरी एल रो ग्रेटर देन हो जाती है आई, ठीक है, ये जो कंडीशन डालते हो आप, जैसे ही एल रो लेस देन आई, ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एल रो जब तक हमारा छोटा रहेगा, एल रो जब तक हमारा मतलब
जब हमारा एलरो आई से बड़ा, आई एलरो से बड़ा हो जाएगा वैसे ये रुक जाएगा, ट्रू आते ही बाहर जाएगा, ठीक है, ट्रू आते ही बाहर जाएगा। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू इवैल्यूएट होगी ये लूप छोड़ देगा। अब इसमें मैं काम करूँगा कि जो रेंज है मेरी उसमें कंकैटिनेट करा दूँगा ए को आई के साथ, क्योंकि आई ही बढ़ता जा रहा है इसमें, और इसमें वैल्यू चेक कराऊँगा, ठीक है, ये वैल्यू है तो इफ़ के अंदर चेक करा दूँगा, इफ़ रेंज वैल्यू जो है मेरी ग्रेटर देन 50 है देन क्या करना है, एंड इफ में मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि इसके रेंज के बगल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे चॉइस है, एक ही जगह मैं बी लिख दूँ और आई की पोजीशन में वैल्यू गेट कराऊँ, ठीक है, और ये जो होगी बी वाले में सेक्शन में डाल देगा कि ग्रेटर देन 50 है, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, एक एक करके, F8 से मैंने चालू किया, एलरो में कितना आया 16, 16वीं पोजीशन, फिर आया एलरो 16 है और आई 2 है, तो आई अभी बड़ा नहीं है। अच्छा ये साइन उल्टा लगेगा क्योंकि ये यहीं स्टॉप हो गया। देखिए दो वाइल और अनटिल दो कंडीशन होती हैं जो एकदम रिवर्स पे काम करती हैं। अभी क्या है कि एलरो जब तक बड़ा रहेगा आई से तब तक चलता रहेगा, जब तक ट्रू आता रहेगा तब तक चलेगा, फॉल्स आते ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से चलाते हैं, तो एलरो में आया 16, आई में आया 2, तो 2 और 16, 16 हमारा बड़ा है, यहाँ पे ट्रू आया, अब ये अंदर जाएगा, तो ट्रू जितनी बार आएगा ये अंदर जाता जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50 नहीं है, 50 है, ठीक है, पहली वो जो A2 है तो कुछ नहीं आया। फिर आगे I में प्लस 1 हुआ, अब ये आया फिर से चेक करने लगा कि I3 हो गया, अब क्या ये बड़ा है, तो हाँ बड़ा है। ट्रू के केस में ये चलता चला जाएगा, और फॉल्स के केस में जैसे ही फॉल्स आएगा आईरो 16 अभी बड़ा है, 8 9 10 11 12 13 14 15 अभी 16 बड़ा है, 16 हो गया। अब 16 भी मेरे ख्याल से बड़ा ही है, तो ये एक और आगे, तो 16 ग्रेटर देन, मैं जैसे ही फॉल्स आया, ठीक है, 16 आया तो वो ग्रेटर देन नहीं रहा, है ना, तब ये एंड सब पे आ गया सीधा, यहाँ पे एंडिंग हो गई इसकी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई थोड़ी सी है। अब देखो वाइल की सेम चीज़ हम जो है, जब तक इसमें ट्रू, इस कंडीशन में ट्रू आएगा तब चलता रहेगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार कि हमें याद नहीं रहता कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, एक बार रन करके देख लो F8 से, ठीक है। सेम चीज़ में अगर मैं देखता हूँ यही कंडीशन, मैं लूप टू कर देता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ, ये कंडीशन उठा के लूप के बाद रख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी क्या है कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद पहले काम होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर जाएगा फॉल्स में, तो हमें एक स्टेप फालतू चल रहे हैं, तो नंबर कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से इसको एक नंबर मुझे कम देना होगा, या फिर चला के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंडीशन चेक करते ही बाहर जाएगा, कम नहीं देना होगा, सेम ही, क्योंकि वापस भी तो जा रहा था, वहीं चेक कर रहा था, इसमें तो यहीं से बाहर, तो इसमें भी आपका सेम केस होगा। सबसे पहले इसमें काम होगा, पहले क्या था, कंडीशन चेक होती थी तो कंडीशन ट्रू फॉल्स रहे उस पर डिपेंड करता था, फॉल्स होते ही बाहर जाता था। इसमें ट्रू रहे या फॉल्स रहे ये पहले ही काम करेगा और बाद में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है।
तो बाद में कंडीशन चेक करेगा, काम सेम करेगा। बस ये है कि पहला वाला जो है आप कंडीशन पे चलाना चाहते हो कि नहीं। ये पहली बार तो चलेगा ही चलेगा, और लास्ट बार जब चलेगा ये देखो बाहर आ गया, ठीक है। हाँ, तो जब तक ट्रू रहेगा तब तक बाहर होगा। अब हाँ एक ही है, हाँ एक ही है। अब लूप को मैं इन्हीं दोनों कोड्स, पहले ऊपर वाला कोड डाल देता हूँ नीचे, इसमें ये है लूप थ्री कर देता है इसको। सेम में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा वाइल चल रहा है, वाइल को मैं एक कोड होता है अनटिल, अनटिल ये उल्टा होता है, ये ठीक इसका उल्टा होगा कि अभी ट्रू है तो ये उल्टा चलेगा, ठीक है। कि जब तक हमारा इसको चला के देखते हैं तभी ये क्लियर होगा कि ये सही काम कर रहा है नहीं। अनटिल में कंडीशन पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी कि एल रो लेस देन इक्वल टू आई है, तो जैसे ही इक्वल टू आई आएगा ट्रू वो बाहर हो जाएगा। मतलब ये 16 पे बाहर मार रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू हटा देता हूँ, कंडीशन उलट दे, लूप वन का लूप थ्री कर दूँ। यहाँ था लूप थ्री, एक मिनट ये नाम क्यों चेंज कर दे रहा, स्टॉप, हाँ यहाँ से चला दो लूप वन डिटेक्टेड, दोबारा दोबारा पेस्ट हो गया क्या, लूप वन लूप टू लूप वन लूप थ्री, अच्छा ये दोबारा पेस्ट हो गया लूप थ्री। अब इसको चलाते हैं अनटिल, आई जो है दो है, ये 16 है, तो दो छोटा है, ट्रू के केस में ये चलेगा। जैसे ही फॉर टू, टू को ना, हाँ टू देखो मैं यहां से दे रहा हूं, ए के साथ मैंने कंकैटिनेट कर दिया आई, तो अभी आई 6 है, तो ये हो गया ए 6, है ना। तो ए 6 में जो वैल्यू है उसको इवेल्युएट कर रहा है अभी ये, तो ए 6 में कुछ भी नहीं है, और ए 7 में भी कुछ नहीं है, ए 8 में जो है वो बड़ा है, तो ये अंदर जाएगा। आ गया, इसको देखते रहते हैं, आई पे नज़र रखते हैं। तो जैसे ही ये मेरे ख्याल से 12 13 14, अभी तक 15, अभी तक लेस देन ही है। अब ये 16 जैसे ही आता है, 15 पे चला गया, 16 जैसे ही आ गया, अब ये अंदर चला गया, अभी भी ये लेस देन में आ रहा है, 16 लेस देन में आ रहा है। इसका क्या रिजल्ट होगा कि 16 लेस देन में इक्वल टू हो गया है, तो 17 हुआ, अब ये बाहर जाएगा, ठीक है। ये वैसा ही चलता है, रिवर्स कंडीशन सेम वैसा ही चलता है जैसे, बस ये है कि ये ट्रू होते ये ट्रू होते जाता है, वो फॉल्स होते बाहर जाता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बी बी के साथ भी आई जोड़ा है मैंने, तो बी में भी आई की वैल्यू जो भी है बी टू में, उसके सामने करता जा रहा है। मैं यही एग्जांपल सारे लूप्स के थ्रू करके दिखाऊंगा आपको कि एआई एक चीज कैसे कराई जाती है, तो आपको लूप समझ में आ जाएगा। देखिए अनटिल और वाइल लूप एक ही जैसे होते हैं, ठीक
ठीक है, बस दोनों में फ़र्क है, वो ट्रू में चलता है या फॉल्स में चलता है, ट्रू आते ही बाहर जाता है, वो फॉल्स आते बाहर जाता है। इसको भी यहाँ लूप के बाद रखा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका सेम काम करेगा। ज़्यादा श्योर होने के लिए मैं इसको लास्ट वाली वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं चला देता हूँ, आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अनटिल डू वाइल डू अनटिल लूप होता है आपका, वो दो लूप ये हो गए। उसके बाद एक लूप आता है आपका फॉर लूप, फॉर लूप में अब देखिए इसमें ये जो काउंटर है ना, वाइल और अनटिल दोनों में आपको काउंटर लगाना होता है, मतलब मैनुअल वैल्यू बढ़वानी होती है, इंक्रीमेंट कराना होता है। इसमें आई प्लस वन कर रहे हैं, एक छोड़ के कराना है, आई प्लस टू भी कर सकते हैं, हम नेगेटिव में भी चला सकते हैं, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं फॉर लूप पे आता हूँ। फॉर लूप जो है वाइल का ही एक्सटेंडेड लूप है। बेसिकली इसमें आई तो चलता है आपका, पर ये डू की जगह ऐसे चलेगा, फॉर आई। इसमें क्या है कि ये जो आई की डिक्लेरेशन कर दी है हमने, कि दो पहले बता दिया है कि यहाँ दो रहेगा, आई में क्या है कि ये फॉर में क्या है कि आप पहले से बता सकते हो फॉर आई इक्वल टू 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 एल रो, मतलब दो से लेकर एल रो में जितने नंबर हैं उतने तक चलेगा, और इसकी ज़रूरत नहीं होती हमें, क्योंकि हमारा ये काम जो करेगा हमारा एक कोड कर देता है ये काम, नेक्स्ट आई। तो नेक्स्ट आई का मतलब है इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, आई आई तो ठीक आ रहा है, क्या चीज़ कह रहे हो? टू टू वन रो, मतलब पहले क्या करेगा ये आई में दो डालेगा यहाँ से, ठीक है, आई में दो आ गया, और दो से लेकर वहां तक चलेगा जो एल रो में वैल्यू है। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट आई का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट कितने का करना है। देखिए अभी एक चीज मैंने इसमें नहीं डाली है, इसमें एक होता है, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये एक का इंक्रीमेंट करता है, पर अगर आपको दो का इंक्रीमेंट करना हो तो स्टेप टू, स्टेप कीवर्ड आता है, स्टेप वन कर रहा हूं जो कि इसको ना भी दूँ तो भी यही करेगा, स्टेप टू करूँगा तो एक एक छोड़ के करेगा ये, इसको माइनस में भी चला सकते हैं, स्टेप माइनस वन, ठीक है, तो उसमें इसको एल रो टू आई देना पड़ता, ठीक है ना। तो स्टेप का एक कीवर्ड होता है जो हम दे सकते हैं इसमें, कि हमें दो स्टेप छुड़वाने, तीन स्टेप। नेक्स्ट आई क्या करेगा, ये नेक्स्ट ही इसको इंक्रीमेंट करवाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। हाँ, क्योंकि ब्लैंक पे तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा है कि ब्लैंक पे करे कि ना, ये तो सीधा सीधा लास्ट रो जो मिलेगी वहाँ तक चलना ही चलना है इसने। ये देखो ये 16 आया, अब ये आगे काम करने गया, जैसे ही नेक्स्ट आई हुआ, अभी आई में क्या वैल्यू है, दो, नेक्स्ट होते ही तीन हो गई, ठीक है, नेक्स्ट के बगैर ये जाएगा ही नहीं उल्टा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, ये थोड़ा वाइल से आपको लॉजिक आसान पड़ता है इसका, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक ये हो गया आपका लूप, इसमें जैसा कि मैंने बताया स्टेप वन स्टेप टू कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है, इसमें ये इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये जो है ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसके बाद आता है फॉर ईच लूप, तो ये चार लूप चलते हैं, वाइल एंटिल फॉर और फॉर ईच। फॉर ईच जो है इसका सबसे आसान लूप है,
ये कीवर्ड मैं डालता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मुझे फॉर ईच में बनाना होता, अब बात हो रही है सिर्फ रेंज की, ठीक है। तो ये जो लास्ट में एल रो है, मैं ऐसे बना सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड चाहिए डिम आर एज रेंज, रेंज का एक एक्सट्रैक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि फॉर में, फॉर ईच में आर इन रेंज, मैं सिलेक्शन में भी मल्टीपल है तो दे सकता हूँ, ए टू से लेकर चलेगा ए एल रो तक, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट आई की जगह आर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये रेंज ए कंकैटिनेट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेगा, ये एक एक करके जो वैल्यू देगा वो आर को ही सेल उसका दे देगा। मैं सिर्फ लिखूंगा आर, आर एक रेंज का कीवर्ड है तो आर की प्रॉपर्टी भी वही होंगे, आर डॉट वैल्यू। और यहाँ पे अब मैं बी में कर रहा हूँ ना काम, और मेरा जो आर है वो ए देगा, एक ए टू ए थ्री ऐसे करके देगा। तो मुझे यहाँ के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा r डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे आपसे रो पूछता है कि कितनी रो आगे कितनी रो पीछे, ठीक है, माइनस में करेंगे तो पीछे जाए। तो मैंने कहा रो तो सेम रहेगी, ठीक है, कॉलम एक आगे रहेगा, ठीक है, डॉट वैल्यू। ये समझ आया? ठीक, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चलेगा और ये क्या करेगा, ये अब एक एक करके पूरी सेल ही देता रहेगा, आर को एक एक करके वैल्यू देता रहेगा। ये सबसे आसान लूप है और ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा इसका, एल रो में सीधा आया 16, इसमें सीधा एड्रेस पड़ गया ये, तो ए टू आर में पहली वैल्यू क्या गई 50 वहाँ से ए टू वाली, तो मतलब आर एक तरह से ए टू है। और जैसे ही नेक्स्ट आर होता है वो ए थ्री बन जाता है, 75 बन गया ना ए थ्री। बट प्रीवियस एग्जाम्पल में दिक्कत क्या थी, आर को यहाँ पे मिल रहा था सीधे सीधे, आर को सेल मिल रही थी। आप दो तरीके से कर सकते थे इसको, या तो हाँ इसकी जगह मैं ऐसा कीवर्ड भी लगाता पर उसका ना थोड़ा सा वो हो जाता, रेंज जैसे बी का है ना, तो मैं बी को ऐसे भी लगा सकता था और कंकैटिनेट कर सकता था कि आर डॉट रो, ठीक है, डॉट वैल्यू, इस तरह भी कर सकता था मैं। मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार ऑफसेट छोड़ो ऐसे ही ले लो, उसकी रो उठा लो, कॉलम मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हम दे सकते थे, पर जो स्टैंडर्ड है वो ये है ऑफसेट का यूज़ करना, क्योंकि एक कॉलम नीचे एक कॉलम ऊपर, इससे ये बहुत हो जाता है, दो कॉलम आगे चार कॉलम आगे 12 कॉलम ऐसे होता है, ठीक है। इसमें नहीं नहीं हाइट वेट नहीं होती, बस कि कितना आगे पीछे रहेगा, बस वही है। ज़ीरो से स्टार्ट होता है, सेम रो मतलब ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम, ठीक है। तो अब इसको चला के देखोगे आप तो ये आगे आपका काम वही करेगा, ठीक है। तो ये लूप होते हैं जो हमारे यूज होते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग उससे, ठीक है। लूप सारे कहीं भी कोई भी आ सकता है, अब देखो जैसे इसमें ब्लैंक है, इसी फॉर ईच से मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है।
मान लो मुझे इसमें ब्लैंक लाइन डिलीट करानी है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लैंक लाइन है, ये है, ये है, ठीक है, ये है ना। अब मुझे क्या करनी है, लाइन डिलीट करानी है, जाएगा तो सही, वो तो इफ़ से तो हम चेक करा सकते हैं कि जाए ना जाए, पर एक्चुअली मुझे डिलीट ही करानी है, ठीक है। तो मैं एल रो पे आया, यहाँ से मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, एक तो इफ़ करके भी हम लूप चला सकते थे। अब क्या कर रहा हूँ, रेंज से मैं दे रहा हूँ स्पेशल सेल्स में कौन सी एक्सेल सेल टाइप ब्लैंक्स, स्पेशल सेल्स हैं तो ब्लैंक्स दूंगा, तो ये आर में हमेशा ही ब्लैंक वैल्यू जाएगी, ठीक है। मतलब आपका लूप हल्का हो जाएगा, और आपको क्या करना है, आर डॉट डिलीट, आर डॉट एंटायर रो, पूरी रो के लिए एंटायर रो लगता है, डिलीट, ठीक है। इससे आपका लूप हल्का रहेगा, क्योंकि मतलब की ही रो जाएंगी उसके अंदर, है ना। F8 करके चला रहा हूँ, सीधा आया ब्लैंक पे, डिलीट डिलीट, A2 से L रो, ठीक है। ठीक है, ज़रा सा मैं एक बार और देख लेता हूँ, मुझे हल्का सा डाउट है। नहीं, उसने ब्लैंक, हाँ वो ती, अब जैसे ये दो है, एक बार कर लेते हैं, F8 ये आया, R से इधर चला, R की एंटायर रो, इसमें जो R में जानी चाहिए थी वो मैंने मैसेज नहीं लगाया, नहीं तो मुझे पता पड़ जाता R, तो R पहले 5 डिलीट करेगा, नेक्स्ट R पे, अच्छा नहीं, आर के अंदर नहीं आ रहा यार, चलो ये इसमें लूप नहीं होगा, इसमें सिंपल ये होगा, मैंने सोचा लूप चल जाएगा इसमें, सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, एक साथ डिलीट कराना है, रेंज A2 कॉलन A के साथ ये, मतलब हाँ पहले मैं लूप से कराता था, अब इससे भी करा सकता हूँ, डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है। मेरे हिसाब से एक ही कोड में ये हो जाना चाहिए, F8 ये ओए होए, हाँ स्पेशल सेल वाला तो दिया ही नहीं हाँ दे देता हूँ। तो ये कोड, ऐसे कोड जो है ना आपके बड़े काम के हैं, कभी कभार ये एक बार में ही आपका काम करवा देंगे। डॉट स्पेशल, स्पेशल सेल में बहुत सारे और भी ऑप्शन है कि किस तरह की स्पेशल सेल चाहिए, तो आप ले सकते हो ऑल फॉर्मेट कंडीशन, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जहाँ वैलिडेशन लगी है, जहाँ ब्लैंक है, सारी ब्लैंक है, तो डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है। अब इसको करते हैं F8, ठीक है, तो ब्लैंक डिलीट कर देता है, अदरवाइज हमें वैसे ही करना, इफ नॉट इक्वल टू ये तो R डॉट डिलीट करना पड़ता एंटायर रो, ठीक है, अदरवाइज ये कोड चलता है इसकी जगह। इसको मैं, तो कई बार आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें खुला रखना पड़ेगा कि कई बार बड़े कोड का काम छोटे कोड भी कर देते हैं। इक्वल टू ब्लैंक है तो आर डॉट डिलीट मानना है, आर डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है। F8
ये गया ब्लैंक चेक करेगा, ब्लैंक इसमें तो ब्लैंक है ही नहीं। यहाँ एक ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ एक ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। F8 जो इसको मिलेगा, तो इस कोड्स में क्या होता है कि कई बार आपको बहुत लंबा चलना पड़ता है, मतलब मैक्रो बहुत टाइम लेता है, पर ये जो कोड है एक लाइन का कोड है, इसमें किसी लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको काम हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको फिल्टर डेटा है, अब आपको फिल्टर डेटा ही उठाना है ना, कॉपी करवाना है, तो ऐसे करवा सकते हैं स्पेशल सेल का यूज़ करके कि ऑल विजिबल सेल्स, ठीक है, तो उनको कॉपी करवा के पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये हैं बेसिकली आपके लूप्स हैं। ऑफलाइन नेट का कुछ है। सुमित, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। हेलो हेलो सुमित, हेलो सुमित, हेलो सुमित, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो इसको मैं सेव कर देता हूँ लूप्स के नाम से, और इसमें ही आपको आज का टास्क भी दे देता हूँ। हेलो सुमित, हेलो क्या आवाज आ रही है मेरी? इनको चैट विंडो का है। क्या आवाज आ रही है? तो आज का वैसे सेशन अभी ओवर है, एक टास्क दे देता अगर अब आज मेरे को आ जाती। चलो मैं टास्क जब तक बना देता हूँ कि टास्क होगा क्या। मान लीजिए कि जैसे दिल्ली में ऑड इवन चला था, कब से कब तक चला था? 1 से 15 अप्रैल चला था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डेट डालता हूँ यहाँ, और 1 से 15 की एक तारीख की डेट क्या थी, 1 अप्रैल, और का 15 अप्रैल तक, ठीक है। इन दोनों का नंबर देख लेता हूँ क्या। एंड बिटवीन 42461 से लेकर 42475 और रजिस्ट्रेशन नंबर इसका मैं डाल देता हूँ कि
लास्ट के चार डिजिट दे देता हूँ, है ना, HRDL कुछ भी डाल देते हैं। तो मैं इसके साथ दे देता हूँ HR51 या कुछ भी डाल देता हूँ, कंकेटिनेट कर देता हूँ इसके साथ रैंड बिटवीन। एक हजार से वॉइस नहीं आ रही है मेरी, एक मिनट चेक करता हूँ। वॉइस ऑडियो, हेलो हेलो, यहाँ से तो वॉइस जा रही है। यहाँ से वॉइस ठीक है मेरी, यहाँ पे माइक दिखा रहा है मेरे को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बल्कि। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में हम देख लेंगे, मैं टास्क दे रहा हूँ चैट। ओके, तो इसमें मैंने क्या करना है, 1000 से 9999 ठीक है यहाँ तक, तो मेरे को नंबर दे देगा, ठीक है, डेट और नंबर। इसके अंदर आप लोगों ने करना है ये डेटा, चलान, कि लास्ट के जो लास्ट का फिगर है ना उसके बेस पे चालान कटवाना है डेट के हिसाब से, कि संडे नहीं होना चाहिए उस दिन, ठीक है। संडे को एक्सेप्शन थी ना, तो मेरे को ये चालान वैल्यू कंप्लीट करानी है, चालान जिसका हो गया 2000 आगे डाल देना, ठीक है। इसके सारे तरीके आपको आते हैं, जो फार्मूला यूज़ करने हैं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला काम करना है कि लास्ट वैल्यू पे ऑड इवन के हिसाब से, जैसे यहाँ दो है, ये आपका जो है ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन की इवन में नहीं कटेगा, जैसे 6 8 9 4 ये कटेगा, पर इस दिन संडे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम करना है, फॉर्मूला को एक्सप्लोर करो कैसे करेंगे, VBA के थ्रू करना है। यहाँ पे एक बटन बना देना है, क्लिक करते ही असाइन मैक्रो वाला तो आता ही है, तो बटन पे जाके वो मैक्रो आपने राइट करना। हाँ हाँ, जिसका कटा है उसका 2000 आ जाए, ठीक है। तो ये टास्क है, संडे है तो संडे को नहीं कटना चाहिए, नहीं काम से मतलब है बस, ठीक है। चाहे आप उसके बगल वाले कॉलम में यहाँ पे एंट्री करा के इसका रेफरेंस लेके उसको बाद में डिलीट करा दो, पर फाइनल आउटपुट में सिर्फ चलान वैल्यू। हाँ, शूट को कैसे भी यूज़ करो, ठीक है।